हेलो सो गाइज, एक बार फिर से हम लेके आए गए वोल्वो बस मोड, जो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपको पसंद आ गया मोड, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसका पूरा पूरा प्रोसेस मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। जो भी आपके मन में आ गया वो मोड आपको डाउनलोड कैसे करना है, और तो उसके बारे में आपको जानना है तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज मैंने सोचा, सब लोग कोई कमेंट कर रहा है ये मोड कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैं वही आपको जगह बताऊंगा और कैसे डाउनलोड करना है और कैसे बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के अंदर ऐड करना है। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो कहीं जा गए मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको गूगल खोल लेना है। गूगल पर आपको सर्च करना है वोल्वो बस मोड, बस आईडी लिख सकते हो और बस सिमुलेटर इंडोनेशिया कुछ भी लिख सकते हो। लिखने के बाद में आपको सर्च करना है, ये सर्च करोगे तब आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो आप जो भी मोड डाउनलोड करना चाहते हो उसका आ जाएगा नाम ऑटोमेटिक, जिस जो मोड आपको डाउनलोड करना है। तो आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रही है वोल्वो बस मोड फॉर यू का जो दिख रहा है लोगो, ये इस पे आपको टच करना है। ये वेबसाइट बहुत ही आसान है और करने में, तो इसीलिए मैं आपको इसी वेबसाइट का बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ऐसे इंटरफेस आएगा। बाद में आप करोगे तब 10 सेकंड तक ऐसा चलेगा। 10 सेकंड चलने के बाद में आपके सामने ये मोड वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, करते जाना है। आपको पासपोर्ट भी यहाँ से ही मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये इस वीडियो पे आपको क्लिक करना है, तो आपको जो भी मोड डाउनलोड करना है इसी पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब खुलेगा। यूट्यूब खुलते ही आपको उस पर मोड के पासपोर्ट मिल जाएगी। तो वीडियो में तो आप ज़रूर ये पहले पासपोर्ट देख ले, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहे और बहुत सारे डाउनलोड भी आए हैं इस मोड को। डाउनलोड बहुत सारे लोगों ने किया है, वैसे भी कोई भी मोड हो ज़्यादा ही डाउनलोड करते हैं इस वेबसाइट से। आपको तो अभी सामने ये ब्लू टिक में डाउनलोड लिखा, इस पर क्लिक किया और आपके सामने ऐसा इंटरफेस फिर से आएगा। 10 सेकंड तक ये भी घूमेगा घूमेगा, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन फिर से करना है आपको, करते जाना है। धीरे धीरे करते जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन और आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, उसको आपको टच करना है। टच करोगे तो आपके साथ ऐसा ऐड आए तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके हटा सकते हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करता है आई एम नॉट रोबोट, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, ये पूरा होने के राइट होने के बाद में आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, इसे कंफर्म डाउनलोड पे क्लिक करना है। ऐसे डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ऐसी फाइल आ जाएगी, आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने मोबाइल के अंदर गेम के अंदर जेड अचीवर से लगा देनी है और पासवर्ड वहीं से लगाना है। तो आपको अगर लगाना मोड नहीं आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे आप कोई भी मोड को गेम के अंदर ऐड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही हमारे वीडियो चैनल पर आते रहते हैं, मोड से रिलेटेड या स्पीड से या बस सिमुलेटर की ऑल सेटिंग के बारे में बताया जाता है। और अगला वीडियो आपको किसी की प्रोमिस होगी, उसी तरह से ही हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको प्रोसेस समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।